आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर शरद जेटली न्यूयॉर्क से, आपका अपना कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियो 360 वीडियो सीरीज जो मनीमीटर हेल्थ पे आपको दिखाई जा रही है फेसबुक और यूट्यूब के सौजन्य से। आइए एक नया वीडियो लेके मैं हाजिर हूँ। नमस्कार। आज का विषय है टूटे हुए दिल को कैसे जोड़ा जाए। राइट, दैट्स कॉल्ड ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। इसको कहा गया है BHS, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। वाकई एक बीमारी जो जानी जाती है डॉक्टरों की दुनिया में। आज सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसका निदान जो हुआ वो जापान में हुआ, और इसकी डायग्नोसिस जो है एक अच्छे जापानी डॉक्टर साटो जो हैं उन्होंने की 1990 में। तो इस सिंड्रोम या कंडीशन की पहली बार जानकारी सारे डॉक्टर वर्ल्ड को 1990 में ही मिली, 1990 में। तो मुश्किल से जो है ये करीब, आप समझ लीजिए, ये हम लोग 27 साल से ही इस बीमारी को जानते हैं। वैसे कितनी बीमारियां हम सैकड़ों सालों से जानते हैं, मगर ये बीमारी जो है भी हमको सिर्फ 27 साल पहले ही पता चली। तो ये जानकर आपको खुशी होगी कि हम लोग रोज़ाना इतनी रिसर्च कर रहे हैं, और डॉक्टर कम्युनिटी और सारा वर्ल्ड जो है, मेडिकल वर्ल्ड जो है, बेजोड़ कोशिश कर रहा है अपने ह्यूमन बॉडी के बारे में जानने की। और ये तो सिर्फ हम हार्ट के बारे में ही आज चर्चा कर पा रहे हैं, तो सोचिए कितना और हमें जानना बाकी है, ज़रूरी है। तो खैर, अक्सर क्या होता क्या है, ये जो ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम या टूटा हुआ दिल जो ये कंडीशन जो है वो अक्सर तभी होती है जब कोई बहुत अनायास कोई हादसा हो जाए, जैसे कि तलाक हो जाए या डिवोर्स हो जाए, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो है ब्रेकअप हो जाए, बहुत सालों से साथ रह रहे थे एकाएक ब्रेकअप हो जाए, या अनायास कोई मृत्यु हो जाए परिवार में, कोई अस्पताल में भर्ती या सीरियस हो जाए, या गंभीर उदासी किसी भी वजह से हो जाए, कोई बिजनेस में किसी का बड़ा बहुत बड़ा लॉस हो जाए, कोई बहुत बड़ी स्ट्रेस किसी भी वजह से हो जाए, भयानक कोई कार एक्सीडेंट हो जाए, कोई सर्जरी हो जाए, या ICU में कोई भर्ती हो जाए किसी वजह से, कोई अपना बहुत परिवार का क्लोज व्यक्ति। तो ये सारे कारण जो हैं ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम से ताल्लुक रखते हैं, यानी टूटे हुए दिल की जो कंडीशन जो है वो जो वाकई कंडीशन है, इसको कहते हैं टूटा हुआ दिल ही कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसमें, मेडिसिन वर्ल्ड में इसको ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम कहा जाता है, या टाकासुबो सिंड्रोम कार्डियोमायोपैथी उसका बहुत बड़ा नाम है। तो आप या तो BHS याद रखिए या TCM, ये दोनों कंडीशन जो हैं ये दोनों नाम जो हैं एक ही कंडीशन के हैं, BHS या TCM, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम और टाकासुबो कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, अच्छा, अब इसके इसके लक्षण क्या है। लक्षण एग्जैक्टली वैसे ही हैं जैसे आपके हार्ट अटैक हो रहा है, जैसे सीने में बहुत ज़बरदस्त दर्द, खूब पसीना आना, नौजिया हो जाना, और सांस भर के आपका दम भरना। तो ये सब सारे लक्षण जो हैं, और खूब पसीना आना, तो ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति को हार्ट अटैक हो रहा है, तो आपको तो फौरन जो है अस्पताल में लेके जाना ही पड़ेगा। और जैसे आप जाएंगे वहाँ आपका EKG होगा, वहाँ आपका एको होगा, वहाँ आपकी जो है आपको एडमिट किया जाएगा, आपको CCU में भी रखेंगे। मगर ये आप ध्यान रखें कि जो एक्चुअल जो हार्ट अटैक होता है उसमें अक्सर ये कॉरनरीज, ये देखिए लेफ्ट साइड में जो मैं आपको ये पिक्चर दिखा रहा हूँ, इसमें कॉरनरीज रुक जाती हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे रुकावट होगी या वगैरह वगैरह। तो जहाँ जहाँ रुकावट होगी वहाँ पर जो है ये आपको जो है यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स नज़र आएंगी। मगर वो एक्चुअल हार्ट अटैक में जहाँ पे कॉर्नरीज रुकती हैं, मगर ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम में BHS में अक्सर ये कॉर्नरीज खुली रहती हैं। मगर एको में क्या होगा, ये राइट साइड की पिक्चर में आ जाएगी, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो दिखाया गया है, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, यानी चार चेंबर्स होते हैं आपको मालूम है हार्ट में, 1, 2, 3 और 4, 1, 2 और 3, 4। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो बूस्टर चेंबर कहा जाता है, इस इलाके में सबसे नीचे के हिस्से में जो है वो नुस्क रहता है, ताकि वो हार्ट जो है बलून की तरह डायलेट कर जाता है। तो ये हार्ट जो है यहाँ पर जो है यहाँ पे ऐसे फूल जाएगा बलून की तरह, और क्योंकि वो काम नहीं कर रहा है, हार्ट का तो काम है सुकड़ना और रिलैक्स करना, जब सुकड़ेगा नहीं तो वो फूलता जाएगा जितना फूल सकता है, तो वो बहुत नुस्ख है उसमें। तो उसमें जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उसमें क्लॉट आ सकता है, उसमें एरिदमिया आ सकता है कि आपकी रिदम जो है डिस्टर्बेंस हो जाए, स्ट्रोक हो सकते हैं। तो इसलिए अस्पताल में एडमिट होना तो बहुत ज़रूरी है, सारा CCU की जो केयर जो नॉर्मल हार्ट अटैक वाले पेशेंट को मिलती है वो भी मिलेगी, और सारी दवाइयाँ भी मिलेंगी, एंजियोग्राम भी हो सकता है आपका। एंजियोग्राम में अक्सर जो है जैसे मैंने बताया आर्टरीज आपकी क्लीन मिलेंगी ज़्यादातर, या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव मिलेंगी कहते हैं, जिसमें कुछ स्टेंट वगैरह नहीं डालने की जरूरत पड़ सक नहीं पड़ेगी।
और अच्छी बात यह है, इसमें गुड न्यूज़ भी है कि अक्सर ये हार्ट जो है नॉर्मल साइज हो जाएगा कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में, और जहाँ नॉर्मल हुआ, नॉर्मल फंक्शन हुआ, तो आप घर भी जा सकते हैं और अपनी रेगुलर एक्टिविटी 4-6-8 हफ्ते में कर सकते हैं। तो आइए, आज आपने जो है ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम यानी टूटे हुए दिल का इलाज जो वाकई होता है, मतलब सबसे पहले इलाज से पहले क्या होता है, डायग्नोसिस करेक्ट होनी चाहिए तभी तो इलाज होगा। तो डायग्नोसिस जो है तभी होती है जब आप ये सारी कंडीशंस के सामने रखते हुए उस व्यक्ति को देखें, तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत अनायास कुछ उसके जीवन में हुआ है, कोई हादसा जिसकी वजह से आज उसको एडमिट भी करना पड़ रहा है, ऐसा लगता है कि वो हार्ट अटैक इसी वजह से। तो अक्सर जो है ये बिजनेस का घाटा या कोई सीरियस हो जाना किसी की फैमिली में, या कुछ अनबन हो जाना, जैसे हस्बैंड वाइफ में डिवोर्स हो जाना, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप हो जाए, कोई गंभीर उदासी किसी भी वजह से अगर हो जाए, तो ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स जो ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम के नाम से जाने जाते हैं वो होते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को कुछ आज एक और नई वीडियो सीखने को मिली। बस इसी तरह देखते रहिए munimeterhealth.com के वेबसाइट पर, जो आपको यूट्यूब पे दिखाया जा रहा है, और मुनीमीटर हेल्थ जो फेसबुक पे दिखाया जा रहा है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए munimeterhealth.com को। अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्कार, अलविदा।